गुरुजी नीतीश जी चले गए, क्या अलायंस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए, कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस पार्टी के अलावा ये सबको पता था कि नीतीश जी जाएंगे और वो चले गए। जहां तक सवाल है रोकने की, उनको रोकने का, तो कांग्रेस ने तो सिंधिया को रोकने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस एक महान पार्टी है, वो किसी को नहीं रोकना चाहती, जो जाना है चला जाए। आरपीएन सिंह को भी नहीं रोका गया, जितिन प्रसाद भी चले गए उन्हें भी नहीं रोका गया, सुष्मिता देव गई उन्हें नहीं रोका गया, अशोक तंवर गए उन्हें नहीं रोका गया। ऐसी एक लंबा सिलसिला है, कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है, जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे? 24 का इलेक्शन है, किस तरीके देखेंगे उसको अलायंस को? देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया, तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया, और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया, कल पटना में नीतीश जी ने कर दिया। सर, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता हैं कि एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है और दूसरी तरफ पूरी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, देशाटन कर रही है। एक्चुअली हम 24 के बाद सोचेंगे कि हम 24 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 की तैयारी करते तो ये जो हो रहा है ये नहीं होता। सब ममता बनर्जी की बात करें, वेस्ट बंगाल में राहुल जी की यात्रा है, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। किसकी सीट का बंटवारा, कौन सी सीट है, कौन दे रहा कांग्रेस को सीट है? इन हालातों में कोई सीट देना देगा? सीट उसे दी जाती है जिसके पल्ले में कुछ हो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये सत्ता का खेल है। सियासत और सत्ता की शतरंज में वही जीतता है जिसे दाव खेलना आता है। सब बिहार की बात करें, बिहार में लालू को टक्कर देना आसान रहेगा नीतीश जी को? देखिए, नीतीश जी में 100 बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण है कि वो ईमानदार आदमी है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का